हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? होप सो सब बढ़िया चल रहा है। और गाइस, आज मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने। तो चलो भाई स्टार्ट करते विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहले गाइस, अगर मैं पॉलीनोमियल्स चैप्टर की बात करूँ तो बहुत ही ईजी चैप्टर है क्लास 10th के लिए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है तो बहुत ही सिंपल तरीके से चैप्टर हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये ग्राफ्स गाइस वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अगर ये पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो कितने रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के या कोई भी पॉलीनोमियल के, राइट? सो इसको अच्छे से करना। अगर ये दो जगह कट करता है तो आप देखो दो जीरोस हैं, आप देख सकते हैं 1 और 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसलिए 2 जीरोस है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस 1 पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए इसका से 1 जीरो है, ठीक है? आप इधर पे लिखा भी है इट इज़ द 1 जीरो ओनली, राइट? सो आप ये वाले ग्राफ अच्छे से करके चलो। यहाँ पे देखो एक भी जगह कट नहीं कर रहा है इसलिए उसको अपन बोलेंगे नो जीरोस, राइट? इसके बाद गाइस मैं नीचे आऊँ यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, राइट? 1, 2 एंड 3, तो अपन बोलेंगे ये क्यूबिक है एंड फिर इसलिए इसके 3 रूट्स आएंगे, राइट? तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आप अच्छे से करके जाना। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर एंड वेरी सिंपल है, इसको अच्छे से करो। इसके बाद गाइस मैं 2.1 में बात करूँ, 1 मिनट की एक्सरसाइज भी नहीं है, इसको भी सेम आपको बस देखना है कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस को उतने जीरो दे देना, दैट्स ऑल। इसके बाद गाइस मैं आगे बढ़ूँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये वाला बॉक्स जो अपने लिए है कि आपके पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और सेकंड चीज गाइस ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर, अल्फा बीटा सी अपॉन ए के बराबर है। दैट मीन्स सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मुलास आपको याद होने चाहिए। इसमें गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दे देगा एक क्वाड्रेटिक, बोलेगा इसके जीरोस निकालो और फिर वेरीफाई भी करो इसकी रिलेशनशिप। तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करो। एग्जाम्पल नंबर 3 भी सेम कैटेगरी का, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट गाइस एग्जांपल नंबर 4, ये 1 मार्क का क्वेश्चंस में आने की चांस है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताओ अगर सम दिया प्रोडक्ट दिया है, राइट? तो इसको अच्छे से करो। ये आप चाहो तो गाइस स्किप कर दो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस। सीधे आगे बढ़ते एक्सरसाइज 2.2। दोनों क्वेश्चन गाइस अपने लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है गाइस, बहुत ही सिंपल चैप्टर भी है ये, प्लीज इसको स्किप मत करना, फ्री के मार्क्स हैं इसके, तो इसको बहुत ही ईजिली कर लेना, ठीक है? इसके अलावा गाइस इसमें आपके पास वो वाले प्रॉब्लम नहीं है जिसमें अल्फा प्लस बीटा, इसमें गाइस वो वाले प्रॉब्लम नहीं जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लाइक दैट, राइट? वो प्रॉब्लम्स गाइस इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बोलूंगा पीवाई क्यूज से देख लेना वाले प्रॉब्लम्स को, या आरडी शर्मा से देख लेना, वो वाले प्रॉब्लम्स आते हैं भले वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है? तो वो वाले वीडियोस, वो वाले क्वेश्चंस अच्छे से करो। तो बस गाइस इस चैप्टर में इतना ही करना है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको भी इस चैप्टर में पास करा दो। ध्यान से गाइस आरडी शर्मा या पीवाईक्यू से वो अल्फा बीटा वाले प्रॉब्लम्स करना मत भूलना जो कि है वैल्यूज निकालने पे, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।